से प्रेम किया है जैसे मीराबाई ने किया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो तो पति सोई। ऐसा प्रेम जिसके हृदय में भर गया हो, अंत समय में भगवान का स्मरण उसको ही होता है। हमने जहां जीवन भर प्रेम किया होगा वही तो चीज हमारे सामने आएगी अंत समय में। पुत्रों से प्रेम है तो पुत्र सामने आएंगे, गोविंद का क्या काम हुआ? जीवन भर पुत्रों से प्रेम किया पुत्र सामने आएंगे, दौलत से प्रेम किया दौलत सामने आएगी, क्योंकि अब दौलत छूटेगी तो दौलत ही दौलत की तरफ ध्यान जाएगा। पुत्रों से अटैचमेंट आ सकती रही है तो पुत्रों की तरफ ध्यान जाएगा। नारी से अटैचमेंट रहा है तो नारी ध्यान में आएगी, वो तो भाग के आएगी बेचारी कि मेरा जीवन साथी जा रहा है, बार बार झंझेड़ेगी कंधा पकड़ के कि कहां जा रहे हो मुझे अकेली छोड़ के। तो अंत समय में यही कहेगा जा कहां रहा हूं। नारी कॉन्शियस हो जाएगा, भावना में नारी घुल जाएगी, या पुत्र घुल जाएंगे, या प्रतिष्ठा घुल जाएगी, या अहम घुल जाएगा, या दौलत घुल जाएगी, तो कैसे गोविंद की याद आएगी? गोविंद की याद अंत समय में तभी आएगी तब गोविंद से आपने प्रेम किया हो, सबसे अधिक बढ़कर, नारी से भी बढ़कर, पुत्रों से भी बढ़कर गोविंद से प्रेम किया हो, या अपने पुत्रों में और नारी में और धन में और दौलत में मकान और मान प्रतिष्ठा में भगवान को ही देखा हो, तब भगवान की याद आएगी। ऐसा तभी होता है जब आप भगवान के भक्त बने, भगवान का भजन करें, भगवान से प्रेम करें, भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ अर्पण करें, भगवान के भक्तों से प्रेम करें, भगवान के भक्तों को घर बुलाएं, उनके मुख से कुछ भगवान की लीलाएं सुने, उनको प्रसाद खिलाएं खुद खाएं, भगवान के कीर्तन करें गुणगान करें, उनके लिए नाचें गाएं, दुख में सुख में उनको याद करें, रास्ते में चलते उनको याद करें, दुकान दफ्तर जाते उनको याद करें, तब भगवान की अंत समय में याद आती है। अंतमता सोगता, अंत में आपकी बुद्धि जहां स्थिर होती है वहीं आप अगले गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। आपकी मति अंत समय में नारी में है तो उस नारी को ही मिलने आप वापस आते हैं, पुत्रों में तो पुत्रों को मिलने के लिए वापस आते हैं, शरीर त्याग करके भी पुनर्जन्म होता है किसी भी रूप से, कर्म अच्छे किए तो मनुष्य रूप से उनको मिलते हैं दूसरे जन्म में भी किसी भी रूप से। कभी कभी कुत्ते बिल्ली बनने के कर्म किए तो पालतू कुत्ता बन के भी उनके उसी घर में आते हैं वापस, या बिल्ली बनकर या पड़ोसी बनकर या पुत्र बनकर, क्योंकि प्रेम हो गया उसी घर से उसी नारी से उसी पुरुष से, अटैचमेंट है आपका तो वहां पर आ जाते हैं। जिनके जिन पर सत्य स्नेहु सोती में मिले ही ना कछु संदेह। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, जिनके जिन पर सत्य स्नेहु सोती में मिले ही ना कछु संदेह। अरे जहां आपका अटूट प्रेम होगा वो आपको फिर मिलेगा, अगले जन्म में भी मिलेगा। तो भगवान से यदि आपका अटूट प्रेम हो गया है तब भगवान अंत समय में याद आएंगे आपको, और भगवान अंत समय में याद आएंगे तो आपकी गति हो गई, परम गति हो गई, आप भगवत भावित हो गए, आप भगवान की भगवान के भाव को प्राप्त हो गए, आपके भाव में आप भगवान घुले हुए हैं, तो भगवान का धाम मिलेगा, भगवान ही मिलेंगे। आप पुनर्जन्म लेकर के वापिस अपने पुत्रों में पड़ोसियों में इस संसार में नहीं आएंगे।
अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये शरीर से मुक्त होने के समय हे अर्जुन, अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है, यह प्रयाति जो इस तरह से मेरा स्मरण करते हुए, मुझे याद करते हुए, मेरे लिए नीर बहाते हुए, प्रेम में गदगद होते हुए, मेरे मिलन की तृष्णा ले हृदय में भर करके जो शरीर को त्यागता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। जो भगवत भावित होगा वो तो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। यह प्रयाति सो मद भाव याति नास्त्यत्र संशया, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये परम लाभ है जीवन का, ये परम आनंद की प्राप्ति है जीवन की, ये परम कहिए कि ग्रेट बेनिफिट है जीवन का। बाकी तो ये संसार के जो बेनिफिट और सफलताएं जो मिल रही हैं, मकान बनाने की, कार खरीदने की, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की, ये सब झूठी है, ये नष्ट हो जाती हैं शरीर के साथ, इनकी वैल्यू नहीं है कुछ भी। ये भी आनंद दे देने वाली है लेकिन क्षणिक। जैसे कोई बच्चा आइसक्रीम खाए और पूछो कि आनंद आया बेटा, बोले हाँ पापा आनंद आ रहा है, मजेदार है, रोज खिलाया करो मुझे, रोज बाजार लाया करो। लेकिन थोड़ी देर के बाद में फिर आइसक्रीम खत्म हो गई, फिर पूछा कि अब आइसक्रीम का आनंद आ रहा है, कहाँ पापा दोबारा खिलाओ तो आनंद आए, गया आनंद, वो खाई जब तक 5-10 मिनट का आनंद था। ऐसे ही आइसक्रीम है संसार के भोग, इनका क्षणिक आनंद है फिर खत्म हो जाता है। कल आपने चटपटे स्वाद लिए थे, आज आनंद आ रहा है उनका? नहीं आ रहा, याद भी नहीं आ रही, याद ही नहीं रहे कल क्या खाया था। जरा सोचो तो कि याद आता है कल क्या खाया था, और कल का बाय चांस याद आ भी जाए तो क्या परसों का याद आ रहा कि परसों भूल गए। ऐसे ही ये संसार के क्षणिक सुख और क्षणिक ही दुख हैं, इनको धूप और छांव की उपमा दी है, ये टेम्परेरी है। संसार दुखालयम अशाश्वतम। सुखदेव गोस्वामी तो यहां सुख का नाम ही नहीं ले रहे संसार में, ना गुरु नानक जी, ना वेदव्यास महाराज, कह रहे कि संसार में दुख ही दुख है, सुख नहीं। या जग में सब दुखिया देखा, काउ ना सुखिया देखा हो, राजा दुखिया रंग को दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। यहां कोई सुखी नहीं है, सुख उसको है जो भगवान के धाम में है, भगवान के काम में है, भगवान के नाम में है, भगवत में है, जिसकी भावना भगवत में है, जो भगवत भावित है, कृष्णा कॉन्शियस है, कृष्ण भावना भावित है, उसको सुख है। यहां भी उसको सुख है और शरीर त्यागने के बाद भी उसको परम सुख परम लाभ होती है, परम गति मिलती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्। इसलिए हे अर्जुन, जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को त्यागता है, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, सदैव फिर वो भगवत भावित रहता है, उसकी सांसों में मैं घुल जाता हूं, सदैव वो मुझे मेरा प्रेमी बन जाता है हमेशा के लिए, इटर्नल वैकुंठ जगत का वासी, भगवान का सखा मित्र दास। जिस भाव में उसकी भक्ति शुरू, पराभक्ति शुरू हो जाती है, पराभक्ति का मतलब ही है भगवान के धाम में जाकर के आपको सच्चिदानंद शरीर मिले और फिर भगवान की सच्चिदानंद भगवान की आप सेवा में लग जाए साक्षात फेस टू फेस। ये पराभक्ति का आनंद है, ये पराभक्ति बड़ी कृपा से मिलती है, स्वयं भगवान की कृपा हो जिस जीव के ऊपर उसको पराभक्ति प्रदान होती है।
उसका भगवान ने यहाँ मार्ग बतलाया है कि मेरी पराभक्ति प्राप्त करने का क्या मार्ग है, सुगम मार्ग। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में, तो अंत समय में संभव है, आप लाख कोशिश कर लो तो अंत समय में अरे थोड़ी ठोकर लग जाए तो आपको भगवान की याद आती है, आपको डॉक्टर की याद आएगी, सिसकारी मारोगे, या पत्नी की याद आएगी, या बेटे की याद आएगी तकलीफ में कि मेरा बेटा होता तो पांव दबा देता, मेरा डॉक्टर होता तो पट्टी बांध देता। भगवान की याद किसको आती है? जो भगवान का भक्त है, जो भगवान की शरणागत है, उसको ठोकर लगने पर भी भगवान की याद आती है, और आइसक्रीम मिल जाने पर भी भगवान की याद आती है, और भगवान को धन्यवाद देता है, धन्यवाद करता है, और भगवान की भेजी हुई सप्लाई समझ के दुख को और सुख को स्वीकार करता है। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसानान गामिना। तो आप अभ्यास करोगे भगवान के भजन का, भगवान को याद रखने का, भगवान से प्रेम करोगे, अरे वही भगवान तो आपके पुत्रों में, पोत्रों में, पुत्रियों में, वही भगवान तो आपकी पत्नी में, आपके पिता में और माता में, वही भगवान आपके सब जगह, मित्रों में, रिश्तेदारों में, सब जगह उसका वास है, वो सबके हृदय में है। तो आप उससे प्रेम क्यों नहीं कर सकते? आप शरीरों से प्रेम क्यों करते हो कि ये मेरा पुत्र है, ये बड़ा हो गया, इंजीनियर बन गया, आज मेरा पुत्र मर गया, या आज मेरा पिता मर गया, तो आप शरीरों से प्रेम करते हो इसलिए बार बार कहते हो मेरा पुत्र बड़ा हो गया, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पिता मर गया, मेरी माता मर गई। ये कभी मरते नहीं, जब सच्चा ज्ञान पैदा होता है तो ये कभी मरते नहीं। ये आत्मा और परमात्मा दोनों वास करते हैं हृदय रूपी गुफा में। आत्मा के अंदर परमात्मा का वास है, ये सब शास्त्रों का प्रमाण है, और स्वयं भगवान भी आपको गीता में समझाते हैं इस विषय में। बिना प्रभु से प्रेम बढ़ाए आपका कल्याण नहीं है। आप समझेंगे हमारे 10 बिल्डिंगें खड़ी हो जाए तो कल्याण हो जाएगा, अरे देखो उन मिलियनर्स को और बिलियनर्स को जिनके चेहरे ऐसे लटके हुए हैं जैसे मुर्दे के चेहरे होते हैं, जो कभी चलते फिरते भी तो ऐसा लगते हैं कि मुर्दा चल रहा है, कोई प्रेम हृदय में नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, भगवान का नाम जबान पर नहीं, चिंताओं से घिरे हुए, अहंकार से घिरे हुए, मान प्रतिष्ठा में भरे हुए नहीं। आप जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, उस परमात्मा के, उस परमेश्वर के, उस गोविंद कृष्ण मुरारी के बन के रहिए, इसमें आपका कल्याण है, इसमें आपको शांति है, परम सुख है, परम लाभ है, इसके अन्यत्र कहीं नहीं, भूल जाना। लगता हो कि हम सुख पा रहे हैं, एयर कंडीशन में बैठे हैं, कार गाड़ी में घूम रहे हैं, एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, बैंकों में पैसे पड़े हैं, नहीं, आगे ये सुख ही दुख बनेंगे, जैसे धूप ही छांव बन जाती है, छांव फिर धूप बन जाती, ऐसे ये सुख दुखों में घिरे हुए समझते हैं कि ये सुख है, लेकिन ऐसे ही सुख है ये, जैसे आइसक्रीम का सुख, टेम्परेरी। संसार दुखालय में अशाश्वतम, ये पूरा संसार ही अशाश्वत नहीं, अस्थिर है, या कोई चीज परमानेंट नहीं है, और दुख का घर है, या दुख अधिक है। आंचल में तेरे फूल हैं कम, कांटे हैं ज्यादा, उस परमात्मा ने फूल बहुत कम उगाए हैं, कांटे ज्यादा हैं इस संसार में। आप देखिए किसी गुलाब के पेड़ को और गिनिए उसके कांटे कितने हैं, आपको मालूम चलेगा हजारों कांटे हैं और फूल 4-5 ही है, ऐसे ही है, और वो फूल भी क्या है, आइसक्रीम जैसे फूल, सोफा सेट जैसे फूल, या
इम्पालाकार जैसे फूल, ये फूल हैं, मुरझा जाएंगे, सुबह है शाम को मुरझा जाएंगे, ये भी मुरझा जाएंगे। इसीलिए कहा है कि गुलजार हरि का नाम सदा, गुलजार हरि का नाम सदा, ये जग झूठा थूक बिलोना है। हरि का नाम है जो सदैव हरा भरा रहने वाला है, आपको आनंद देने वाला है, परमानंद देने वाला है। इसलिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु का एन केन प्रकारेन भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नजदीक रहना चाहिए, भगवान को ही धन्यवाद देना चाहिए, भगवान की ही सारी समस्त प्रॉपर्टी है, संपत्ति है।